नहीं नहीं संतु जी, बात कर रही है संतु जी, अब हमको गोली मारिएगा, क्या कर रही है संतु जी? रुक जा, अब हमको बंदूक तानी हुई है, हम पर गोली मारेंगे, अब हमको मैं चला दूंगी गोली, मत भाग, रुक जा। अरे ये क्या हो रहा है, हम तो इस आदमी को यहाँ पकड़े हैं, तो दूर से आवाज क्यों आ रही है, हमारा भी कान खराब हो गया क्या? अरे आपने किसी और का हाथ पकड़ा है, किसी और का? अरे चल, आप बंदूक मत भाग, मैं बंदूक नहीं चला दूंगी, मैं चीते संतु जी, आप बंदूक नहीं चला कि हम नहीं भागेंगे, रुक जाइए, भाग मत, अरे हमको डर लग रहा है संतु जी, चीते। जानते हो कितने लोगों को परेशान कर दिया, क्यों भागी थी लौट से? मैडम जी, ये प्रदीप जी है, हम ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम शादी करने के लिए भागे थे, इसलिए मैंने उस लॉज में कमरा भी लिया था ताकि मौका देख के निकल सकूं, शादी की सारी तैयारियां करके हम लॉज से निकल गए और पास ही के मंदिर में हमने शादी भी कर ली मैडम। हाँ, लेकिन इस तरह से भागकर घर वालों को बिना बताए छुप छुपा ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैडम जी, पापा ना लव मैरिज के बहुत अगेंस्ट हैं। मम्मी भी मैडम। तो इसीलिए मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ा। सब इतना खिलाफ हैं तो क्यों भाग के शादी की? हाँ, और ऑप्शन ही क्या था मैडम? तुम्हारे इस भागने के चक्कर में हमारे थाने का एक मेंबर है चीता चतुर्वेदी, वो बिना कुछ किए फंस गया है, क्योंकि बदकिस्मती से वो उस लॉज में रुका था रात में, और जिस कमरे में सोया वो, सुबह पता चला कि उस कमरे में पहले से कोई महिला थी, और ऊपर से टकरा गया तुम्हारे पिताजी से, तो उन्हें लगा कि उसी ने तुम्हें किडनैप किया है। मैडम, वो चीता चतुर्वेदी, वो 16 सा लड़का, वो कांस्टेबल? हाँ, तुम जानते हो उसे? हाँ मैडम, जानता हूँ। कैसे? एक्चुअली मैडम, उस रात लॉज में पुलिस वाला गलती से जिस कमरे में आके रुका था ना, वो कोई लड़की नहीं थी, वो मैं ही था। क्या? संतोष जी, देखिए हमको नहीं पता कि हमसे क्या गलती हुआ क्या नहीं हुआ है, लेकिन उस बात का पछतावा है हमको, संतोष जी हमको माफ कर दीजिए। मैडम सर, संतोष जी आ रही है, संतोष जी के सर पर ना खून सवार है, संतोष जी ने हमारे पीछे बंदूक लेकर दौड़ रही है, हमारा एनकाउंटर करना चाह रही हूँ मैडम सर, उनको ना हम पर रत्ती भर भरोसा नहीं, प्लीज बचा लीजिए हमको। तुम चाहते हो कि वो भरोसा वापस कायम हो? हाँ मैडम सर। तो तुम्हें मरना होगा। क्या बात कर रही है मैडम, जिंदगी बचाने के लिए तो इतना तेज भाग रहे हैं आप, बोल रही है मरना पड़ेगा, इसे कैसे मैडम सर? चुप रहो, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, हम चीते को सच का ही नहीं बता देते हैं कि उस दिन रात को उसके साथ कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का था, उसको इस अपराध बोध से निकालने के बजाय आप वाया आगरा कानपुर काहे आ रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर उस रात सच में किसी लड़के की जगह अगर लड़की चीते के साथ होती तो क्या संतोष उसे कभी माफ कर पाती? अगर मान लीजिए माफ कर भी देती तो क्या वो भरोसा कायम हो जाता जैसा होना चाहिए? नहीं ना, तजुर्बा कहता है हमारा कि शीशा हो या भरोसा, एक बार टूट जाए तो सूरत बदल ही जाती है, और ऐसा हम चीता और संतोष के साथ हरगिज नहीं होने देंगे। करिश्मा मैडम, हमको प्लीज निकालिए यहाँ से, हमको बहुत जोर से प्रकृति का पुकार आ रहा है मैडम। हिलो मत, बिल्कुल भी मत हिलो, तुम बस ऐसे ही रहो और कंट्रोल करो थोड़ा, ठीक है? तब से क्या कर रहे हैं मैडम, तब से वही तो कर रहे हैं, लेकिन अब प्रकृति का पुकार ना चीख पुकार में बदल गया है मैडम, हमसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, बहुत जल्दी बांध टूट जाएगा और सुनामी आ जाएगा, हमको निकाल दीजिए मैडम। चीते, देखो ऐसा है कि प्लान बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा अगर तुम थोड़ा भी हिले तो, इसलिए चुप रहो। कहाँ है हमारी बेटी? हाँ बेटी, आपकी मिल जाएगी, बेटी आ जाएगी, अभी किसी का स्वर्गवास हुआ है, उसका अंतिम संस्कार तो होने दीजिए। एक मिनट, क्या हो गया, कौन मर गया है? मैडम सर, बता दें, हमसे नहीं होगा, बदाम बच
किसको बोलूंगा? चीता हिला, नहीं नहीं हिला, मतलब चीता नहीं हिला, तुम्हारा दिमाग हिल गया है, बिल्ले सदमा लगता है तो सब हिला हुआ दिखता है, ऐसा होता है। नहीं 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 मैडम सर, मैंने अपने आंखों से देखा, चीता हिला। हम समझाते तुम्हें बिल्लू, हम समझाते। देखो ये सब नाटक है, चीता बिल्कुल ठीक है, सारी बातें बाद में बताएंगे, अभी बस रोने दो, की एक्टिंग करो, जाओ। मैडम से ये कैसे हुआ, ये क्या क्या हुआ चीते के साथ? गोली लगी है चीते को। और जिसने भी गोली मारी है उसे हम ढूंढ ही लेंगे। बिल्कुल मैडम सर, उसको ढूंढेंगे, यहाँ सबके सामने गोली मारेंगे हम, जिसने भी चीते को गोली मारा है। मैंने चलाई है गोली मैडम सर। क्या? लेकिन हवा में चलाई थी, चीते को कैसे लग गई? मैडम सर, हमारे सामने मारी गोली। हाँ मैडम, हमने भी देखा, यही पे गोली मारी थी उन्होंने। नहीं संतु, तुम झूठ बोल रहे हो, उसने तुम्हें धोखा दिया तो तुमने बदले की भावना से उस पे गोली चला दी। सरे हम अपना प्रतिशोध देना चाहो, उस पे अपना बदला निकालना चाहो तुमने। ये झूठ है। यही सच है संतोष, तुम ही हो इसकी कातिल, तुम ही ने चीते को मारा। हाँ मैडम सर, वो अंदर कह भी रही थी चीते से कि हम तुम पर गोली चला सकते हैं। मैडम सर, आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा क्यों करूंगी चीते के साथ? संतोष, हम कैसे तुम पर यकीन करें? हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वेपन पर तुम्हारा फिंगरप्रिंट है, तुम्हारे पास मोटिव है, विटनेस है, सब कुछ है, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तो फिर तुम पर यकीन कैसे किया जाए? क्यों नहीं कर सकती आप? मैं करूंगी क्या अपने चीते के साथ ऐसा? जानती तो तुम भी थी ना कि चीता तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम नहीं मानी। क्यों नहीं मानी संतोष? जब उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, जब वो ये सोच रहा था कि दुनिया में कोई और उस पर यकीन करे ना करे, तुम उस पर यकीन करोगी, ठीक उसी वक्त तुमने उसके भरोसे को तोड़ दिया, उस पर शक किया और उसे मार दिया। यही प्यार था तुम्हारा संतु? इसको प्यार कहते हैं क्या कि किसी ने इल्जाम लगाया तो तुम्हारा प्यार एकदम ताश के बेजान पत्ते की तरह एकदम धाराशायी हो गया? इतना कच्चा भरोसा था तुम्हारा, इस भरोसे पे तुम पूरा जिंदगी बिताने वाली थी चीते के साथ? चीते, I'm sorry, चीते प्लीज उठ जा, चीते मेरी गलती है, मैंने तुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, प्लीज उठ जा चीते, मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना चीते, प्लीज उठ जा। संतोष, चीता तो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि तुम्हें चीता पर भरोसा करना चाहिए था, ऐसा ना करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। क्योंकि उस रात उसके साथ कोई लड़की नहीं संतु, लड़का था। आइए। हाँ ये सच है, ये सच है कि उस रात लॉज में मैं चीता के साथ उस कमरे में था। और वो बुरखे वाली औरत भी मैं ही था। अगर आज चीता जिंदा होता तो उसे टैटू जरूर दिखाता और वो पहचान जाता। मतलब चीता सच बोल रहा था? मैडम सर, इनोसेंट है वो, उसने इतने बार मुझे बोलने की कोशिश की, मैंने एक नहीं सुनी उसकी। वापस आ जा चीते, चीते चीते प्लीज उठ जा, चीते प्लीज उठ जा, मेरे लिए प्लीज मुझे माफ कर दे, एक बार आंख खोल दे प्लीज चीते, मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना। मत रोइए संतोष जी,
क्योंकि आप जानती हैं संतू जी कि पूरा दुनिया इधर का उधर हो जाए हम आपको कभी रोते हुए नहीं देख सकते हैं। ये अब जिंदा कैसे? क्या हो रहा है? तो आपको माफ किए संतू जी, संतू जी। ठीक है। ठीक है संतू जी, सब मैडम सर के कहने पर हम सब किए संतू जी। मैडम सर देखिए प्लीज हमें माफ करिए लेकिन हमारे पास और कोई तरीका नहीं था संतोष को समझाने का। हालात चाहे कैसे भी हो जब तक पूरी सच्चाई का पता नहीं चल जाता हमें किसी को लेकर अपनी राय बनानी नहीं चाहिए, खास तौर पर किसी अपने के लिए तो बिल्कुल नहीं। हो गया जी, हो गया। आप लोगों का पंचनामा अगर हो गया तो हम आपको याद दिला देते हैं कि हम अपनी बेटी ढूंढने आए थे और वो अभी तक मिली नहीं है। मिलवाते हैं आपकी बेटी से भी मिलवाते हैं। आओ दीप्ति मेरी बच्ची, कैसी है तू? हम दीप्ति संभल के इस तरफ मेरी बेटी दीप्ति। बेटा कैसी हो तुम? तुम्हें पता है तुम चली गई थी तो मेरी जान हलक में अटक गई थी। कहाँ चली गई थी तुम? बेटा तुम ठीक हो ना? आपकी बेटी के साथ कोई और भी आए हैं, आपकी बेटी के पति, आपके दामाद। दामाद जी, उनसे भी मिलिए। आपकी बेटी ने इनके साथ विवाह रचा लिया है और अब आपके ये कानूनन दामाद है। ये क्या सुन रहे हैं हम? शादी करनी थी तो ऐसे भाग कर क्यों की? माँ मैं आपको कैसे बताती इस सब के बारे में? बचपन से सुन रही हूँ पापा लव मैरिज के एकदम खिलाफ है। बेटा हमसे कहा क्यों नहीं, एक बार बात तो किया होता। बेटा हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही सोचते हैं, लेकिन बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई सोच नहीं होती। बेटा इन्होंने भी वही गलती की जो चीता ने की, सच नहीं बताया। अगर आप अपनों पर भरोसा कर लेते, सच बता देते उन्हें, तो शायद नौबत यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। सॉरी संतू जी। दामाजी कहाँ है? दामाजी आ जाओ, आ जाओ हमारे पास। अच्छा आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। हम बहुत भला बुरा कहा आप लोगों को। आप लोगों ने जिस तरह हमारी बेटी और हमारे दामाद से हमें मिलवाया तो उसके लिए तो आप लोगों के लिए आज ये बनता ही है। मैडम सर। बोलिए करिश्मा सिंह। मैं करीना। हाँ बोलो। मैं इधर बोलने को आया कि तुम कितना अच्छे से केस टैकल करता, एकदम हमारा साउथ फिल्म जैसा सुपर एंटरटेनिंग, ड्रामा, इमोशंस, ट्विस्ट, सस्पेंस और एंड में एकदम हार्ट टचिंग मैसेज। सुपर। अच्छा मतलब तुमने सब कुछ देखा? हाँ। कुछ सीखा या सिर्फ एंटरटेन हुई हो? नहीं मैं सीखा। क्या? सच बोलना, जिससे प्यार करता उससे कभी झूठ नहीं बोलना, जो दिल में वो मुंह पर, ये सीखा मैं तुमसे सीनियर। इसका मतलब आप करिश्मा सिंह से प्यार नहीं करती? अयो अम्मा। अगर आप उनसे प्यार करती हैं तो आप उनको वो सच बता देती ना जो उन्हें पता होना चाहिए। यही कि पिताजी के ऑपरेशन के लिए जो पैसे दिए थे वो डोनर आप थे। ये तुमको कैसे पता चला? पुलिस वाले, यही तो काम है हमारा। और हम ये भी जानते हैं कि वो पैसे देने के लिए आपने जो लोन लिया था उसी को चुकाने के लिए आप ये फिल्म करना चाहती हैं। कमाल है ना कि करिश्मा सिंह अपनी जिस बहन को ड्रामेबाज, नौटंकी, गुड फॉर नथिंग समझती हैं, वो बहन असलियत में कितनी अच्छी है, कितना बड़ा काम किया है उसने और न जाने कितने सैक्रिफाइसेस दिए हैं। लेकिन
हमें ये बात समझ में नहीं आती करीना कि आपने ये बात करिश्मा सिंह को बताई क्यों नहीं? आप बता देती तो आपके बीच का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। नहीं 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 नहीं, करी अम्मा को कुछ नहीं बताना। क्यों? करी अम्मा और अप्पा मेरे को डिसलाइक करता। मैं घर का वैम्प है, मैं पैसे लेके भागा ना तो मेरे को हेट करता हूँ। अगर मैं करी अम्मा को उस वक्त बताता कि वो पैसा मैं दे रहा है तो अप्पा मरते मरते मर जाते पर ऑपरेशन नहीं कराते। मतलब ये जिद पिताजी से आई है। एक बार बता कर देखिए, क्या पता मान जाए। नहीं नहीं नहीं, करी अम्मा को मैं जानता हूँ, वो मेरा ओन ब्लड ट्विन सिस्टर, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कुछ भी हो जाए अपना मोराल के आगे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है वो, उसको कभी नहीं बताना, प्रॉमिस। ये क्या, इसका क्या करें? ये नहीं, ये वाला प्रॉमिस नहीं बताएंगे। थैंक यू मैडम सर। ये वो पैसे हैं जो आपने हमें दिए थे, इसमें 50,000 कम पड़ रहे हैं। अगर आपने निकाल लिए हो तो फिर आप खुद ही जो है करीना को दे दीजिए ताकि ये हमेशा के लिए यहाँ से जा सके, क्योंकि हम इसको और ज़्यादा यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। करिश्मा सिंह, देखिए दरअसल तब हमें पता ही नहीं था ना कि आपको इतने पैसे चाहिए, और करीना ने अभी बताया तब रियलाइज़ हुआ कि दरअसल हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। जितने थे अकाउंट में हमने आपको दे दिए, तो अब इसके आगे हम मदद नहीं कर पाएंगे। आई एम वेरी सॉरी। हम कुछ और बंदोबस्त करते हैं। हाँ, और तब तक के लिए आपको करीना को ट्रेनिंग भी देनी होगी, यही डिसाइड हुआ था ना आप दोनों के बीच। बदकिस्मती से। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अयो यस यस यस, मैं तुम्हारा एक फोटो लेना चाहता। हाँ, तुम्हारा पर्सनालिटी इतना ब्यूटीफुल मैं वॉलपेपर रखना चाहता। लो। ओके। अयो अम्मा, ये क्या, थोड़ा पोज, ये हाथ यहाँ पे, यहाँ पे, ये थोड़ा ऐसा। देखो तुम कितना ब्यूटीफुल। मैं ये गुड न्यूज अपने गुरु जी को बता कर आता। गुरु जी? हाँ, पुष्पा जी। पुष्पा जी, जय हिंद। जय हिंद गुरु जी। माफ करिए करिश्मा सिंह, हमें आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन हम आपके और करीना के बीच की इस दूरी को खत्म करना चाहते हैं। हमें क्यों नहीं दे रहे हो चाय? सबको दे दी। ये लीजिए पुष्पा जी, आप ले बदनाम स्पेशल चाय। ओम नमः शिवाय। ये क्या बने घूम रहे हो आप? करीना जी की तरह आपको भी किसी मूवी में रोल मिल गया क्या, क्या उस सन्यासी का? ओम नमः शिवाय। नहीं संतोष जी नहीं, कल रात मेरे स्वप्न में, बैठो, मेरे स्वप्न में साक्षात महादेव जी पधारे। हाँ? खुद उन्होंने मुझे दर्शन दिए और कहा, आज तक का तेरा जीवन निरर्थक था। सही कहा, सही बात है। उन्होंने कहा कि आज मैं तुझे संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मंगल कार्य सौंप रहा हूँ। उन्होंने मुझे वरदान दिया, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, जिस किसी सर पे तुम हाथ रखोगे उसका संकट पीड़ा चिंता दुख दर्द परेशानी बेचैनियां सब दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हट जाएगी, हर हर महादेव। ये तो बहुत अच्छी बात है बिल्ली कि शिवजी तुम्हारे सपने में आए थे। वैसे हमारे सपने में भी रोज आते हैं, मगर आज तक हमें आशीर्वाद कभी नहीं दिया है। आज रात को जब आएंगे ना तो बात करेंगे। खैर, अगर शिवजी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है कि तुम जिसके भी सर पे हाथ रखोगे उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, तो सबसे पहले तो इनके सर पे हाथ रख दो, लल्ला हो जाएगा। क्यों मैडम जी, सही बोल रहे हो कि नहीं? बस इसके लिए नहीं। क्या है करिश्मा जी, आजकल करीना को लेकर बहुत परेशान है ना, बहुत उखड़ी उखड़ी घूमती है, तो अगर तुम आशीर्वाद दोगे ना तो इनकी सारी चिंता दूर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा इनका। ओम नमः शिवाय। बिल्ले 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 सुन, मूड नहीं है, उधर जाओ। करिश्मा जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके संकट दूर हो जाएंगे। नहीं बोला। अरे बिल्ले, अरे अरे बिल्ले, अरे क्या चकड़ा मिल गया इसका? हो गया बे, सुबह कुछ खाया नहीं, बहुत भारी हो तुम, नींद में चला गया, शंकर भगवान से मिलने गया। नहीं पैर दर्द कर रहा हूं। उठ रहे हो बिल्ले? नहीं आई है, तो बेहोश हो गया बिल्ला। अरे बिल्ले, बिल्ले बिल्ले मत करो, बिल्ले उठ, बिल्ले
अरे एम्बुलेंस क्या बुलाते, हम तो कहते हैं टांग कर लेकर चलते हैं, ये अस्पताल है। चलो है ना, चल उठ बिल्ले, उठ जा, उठ जा। अरे उठ नहीं जा, ले चलो ले चलो इसको बिल्ले को, जल्दी ले चलो। बाहर कहा है, अपने हाथ को काबू में रखो। नौटंकी कर रहा है वो, काहे का नौटंकी कर रहा है। क्या हुआ बिल्लू को पुष्पा जी? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। वो तो हम डीएसपी सर के साथ मीटिंग। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हम डीएसपी सर के साथ मीटिंग। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हम डीएसपी सर के साथ मीटिंग में थे, वरना खुद ही हॉस्पिटल चले जाते। क्या हुआ बिल्लू को? ये सब इनकी वजह से हुआ है। कितनी बार कहा है अपने हाथ को काबू में रखिए, किसी दिन किसी पर उल्टा सीधा हाथ पड़ जाए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए बिल्लू को इतना जोर से कंटाप लगाया ना कंटाप क्वीन ने कि वो बेचारा बेहोश हो गया, उसको अस्पताल लेके जाना पड़ा। क्या? एक मिनट एक मिनट, एक तो आप भूल रही हैं कि आपका खड़ी है और हम आपके सीनियर हैं। दूसरी बात, बिल्लू को हम रोज कंटाप लगाते हैं, आज ऐसा क्या हो गया कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया? नहीं पर अभी तो बेहोश हो गए ना, आगे पता नहीं क्या होगा। और नहीं तो क्या? हाँ कहीं मर मुर आ जाता तो। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो तुम दोनों। करिश्मा सिंह जहाँ तक बात गुंडे बदमाशों की है ठीक है हम समझते हैं, लेकिन आप बिना वजह किसी को भी अपना कंटाप लगा देंगी? सोचिए खुदा ना खास्ता अगर किसी की कोई नस दब गई, अगर कोई सीरियस इंजरी हो गई तो कौन लेगा जिम्मेदारी? आप लेंगी? नहीं ना? तो उम्मीद करते हैं कि इस इंसिडेंट से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब कैसा है बिल्लू? टेस्ट किया है, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा हुआ क्या है उसे, किस वजह से वो बेहोश है। फिलहाल तो उसको अस्पताल में ही रखा है आराम करने के लिए। अयो अम्मा तुमने बुलाया, माई इधर। जय हिंद जय हिंद। जय। एक मिनट, ये यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया? हमने। का? काहे? मैडम सर ये ऐसे खुलेआम घूमेगी तो सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे दो दो करिश्मा सिंह घूम रही है, एक भौकाल और एक लचीली ढाल। ये गड़बड़ हो जाएगा मैडम सर, आप समझिए बात को, इसका ऐसा घूमना ठीक नहीं है सर। यहाँ यहाँ लोग जो आएंगे केस लेकर नहीं आएंगे, दो जुड़वा बहनों का नौटंकी देखने आएंगे, समझिए आप। हम समझ रहे हैं, हम सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि करीना की प्रॉब्लम भी तो जेन्युइन है ना, उसे भी तो सॉल्व करना होगा। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। देखिए वो यहाँ क्यों आई थी, उन्हें फिल्म में काम करना है, फिल्म में उन्हें दबंग पुलिस ऑफिसर का रोल अदा करना है, उसी की तो ट्रेनिंग आप इन्हें देने वाली थी ना। आपने तो उसे ट्रेनिंग दी नहीं। अब कल से जो है करीना की शूटिंग है, अब सोचिए वो जाएगी कल फिल्म के सेट पर, एक्टिंग करेगी, और अगर इतना खराब परफॉर्म किया उसने और उसके हाथ से फिल्म निकल गई तो ये सदमा तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। तो मैडम सर तो इस प्रॉब्लम का हमने एक सलूशन निकाला है जिससे इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दो दो करिश्मा सिंह हैं। अयो अम्मा मंजूर है मंजूर है मंजूर। अरे पहले सुन तो लो। हाँ क्या मैडम से, क्या सलूशन निकाला आपने? सलूशन ये है कि आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी जिएंगी। का? जी आप करीना बनकर जाएंगी फिल्म के सेट पर, एक्टिंग करेंगी दबंग पुलिस ऑफिसर होने की, फिल्म में काम करेंगी, और यहाँ पर करीना जो है आपकी वर्दी में करिश्मा सिंह कड़क पुलिस वाले की तरह केसेस सॉल्व करेंगी, ड्यूटी करेंगी। मैडम सर अयो अम्मा क्या आइडिया निकाला, एकदम माइंड ब्लोइंग सुपर फैंटास्टिक। अयो सुंदर सीनियर, अब देता ले। नहीं नहीं मैडम सर हमने आज देखिए क्या है करिश्मा सिंह, अब हमने बहुत सोचा पर इसके अलावा और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। नहीं पर आना चाहिए ना करने के लिए, हमको नहीं आता है एक्टिंग, हमने आज तक कोई विज्ञापन नहीं देखा है तेल का पूरे तरीके से टीवी में, मतलब आप समझ रही है ये असंभव है हमसे अभिनय करना, नहीं होगा हमसे। अरे अभिनय एकदम आसान आसान है अभिनय, हम सिखा देंगे ना आपको, आप क्यों चिंता कर रही है? तो बिल्कुल नहीं होगा। अयो करी अम्मा तुम इतना टेंशन क्यों करता, तुम तो जैसा है ना वैसे ही वहाँ पे जाके खड़ी हो जाना, अब बाकी एक दो डायलॉग वो तो माई तुमको बता देगा, हो जाएगा नो वरी। हाँ बिल्कुल देखिए हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, और कोई परेशानी? नहीं मैडम सर पर देखिए क्या है करिश्मा सिंह, आप ही ने कमिटमेंट दिया है ना, और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का कितनी पक्की है। मैडम सर ये इट्स एन ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर तो मानना पड़ता ना। डिसमिस 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 बोला, चलो चलो चलो।
मैडम सर, बहुत मजा आएगा। मतलब इन्हें अभिनय तो हम सिखा देंगे, मगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई? मतलब कैसे एक दूसरे की जिंदगी जी पाएंगे? हाँ मैडम सर, दोनों लोग एक दूसरे से कितना विपरीत है। हाँ, सीता गीता, एक शूल तो दूसरा गुलाब का फूल। हाँ, एक चंद्रमुखी दूसरी ज्वालामुखी। एक नाजुक सवाल तो एक खतरनाक भौकाल। कैसे कैसे होगी ये अदला बदली मैडम सर? होगी पुष्पा जी, जरूर होगी। आप सबने एक बात नोटिस की, करीना और करिश्मा दोनों एक दूसरे की प्रोफेशन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। करीना के लिए करिश्मा सिंह की वर्दी, उनकी ड्यूटी, उनका जज्बा बस एक धांसू रोल जितना है, और करिश्मा सिंह के लिए करीना की फिल्म दुनिया का सबसे बेमतलब फालतू काम है। यही है परेशानी। जब ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी जिएंगे ना, तब इन्हें एक दूसरे के प्रोफेशन की वैल्यू समझ में आएगी, समझ में आएगा कि सामने वाले का काम कितना मुश्किल है, और यही है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मकसद। हाँ लेकिन प्लीज ये बात थाने के बाहर नहीं जानी चाहिए। पुष्पा जी, हाँ पता है मैडम सर, आप बिल्कुल सही कह रही है। एक दूसरे का जूता पहनने के बाद ही पता चलता है किसका जूता कितना काटता है। बस दुआ कीजिए कि आपका ये जो प्रयोग है ना, वो उल्टा ना पड़ जाए, इनका रिश्ता सुधरने के बजाय और बिगड़ ना जाए। वाओ करीना जी, क्या बाइक चला रही हैं? सच में संतोष जी, मतलब लोग बाइक चलाता है तो उनका बाइक हवा से बात करता है, ये तो हवा को बुला ली है अपने बाइक से बतियाने के लिए। गजा कैसा लगता मैं? हटो। कैसा लगता मैं? लगता ना एकदम टाइट नारियल ऑफिसर करिश्मा सिंह जैसा? ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसा ही होता गुरुजी। हाँ, हीरोइन ऐसा ही बाइक चलाता फिल्म में। फिल्म में चलाता? हाँ, असल जिंदगी में नहीं चलाता। ये अम्मा क्या बात करता? नहीं, मतलब असली पुलिस जो होती है ना, वो असली बाइक चलाती है, तभी तो मुजरिमों को पकड़ सकती है ना। यहाँ हमारी जिंदगी में असली पुलिस, असली वर्दी, असली बंदूक, असली चोर, असली मौत, असली खतरा होता है। और असली थप्पड़। और वैसे भी ये बाइक जो है ना, करिश्मा मैडम की स्टाइल और भोकाल की आइडेंटिटी है। और क्या, आपको पता है जब यमराज अपने रथ पर और करिश्मा मैडम अपने जंगी जहाज पर निकलती है ना, तो लोग का जान से थर्र करके कांपता है। ओके हाँ? तो फिर मैं भी रियल बाइक चलाना सीखता, मैं भी सबका प्राण कपाएगा, मैं भी रियल बाइक चलाएगा बहुत जल्दी। सून सून सून, एक कोकोनट वाले ना मेरे लिए जूस मंगाना। हाँ, मेरे अंदर बहुत प्यास। क्या प्यास है? शुश शुश, ऐसा नहीं कहते हैं मेरे अंदर बहुत प्यास, ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहते कि हमें बहुत प्यास लगी है। एक सेकेंड, और ये कोकोनट वैनिला ये क्या होता है? अयो अम्मा, तुम आइसक्रीम की तरह एकदम सॉफ्ट और स्वीट है ना, इसलिए आज से तुम्हारा नाम वैनिला। जूस मंगाना प्यास। मंगा दो मंगा दो, अब मैडम सर का ऑर्डर है ना अदली बदली का। क्या चुप करो तुम दोनों, तो अब इन्हें करिश्मा सिंह मानना पड़ेगा ना हमें। मंगा दो जूस मंगा। लेकिन मुझे वेनिला नहीं, स्ट्रॉबेरी पसंद। अरे तो तुम्हारे लिए बाद में मंगा लेंगे ना, वो भी पहले ये मंगा। बाप रे बाप, हमको तो इस बात का टेंशन हो रहा है कि यहाँ पर जब ये हाल है तो वहाँ पर करिश्मा मैडम का क्या हाल हो रहा होगा। फाइव सिक्स सेवन एट, चलो शुरू करो। 1 2 3 4, 1 2। यही आक्रोश, यही जुनून, यही तड़प चाहिए इस करेक्टर के लिए। कैन बस यही मूड पकड़ करके रखना। क्या मूड बनाए रखे, मूड की मैया। अम्मा ये क्या है, ये इतना सब टाइट टाइट हो गया, इतना टाइट ड्रेस, ये क्या है भाई?
इतनी टाइट ड्रेस? पता नहीं सर, लास्ट शेड्यूल में भी मैम ने यही कॉस्ट्यूम पहने थे ना। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये काहे पहना दिया हमको। हमको बोला गया था पुलिस वाले का रोल है ना, उसमें पुलिस का वर्दी होगा, थोड़ा डायलॉग मारना होगा हमको, एक्शन वैक्शन होगा, ये सब होगा, ये क्या पहना दिया हमको, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बाद में करेंगे ना मैडम, अभी तो पिछले डांस नंबर का पेंडिंग पोर्शन और पैच में निपटाना है। पर आप बात प्लीज 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 मैडम, आज बस इस जस में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को कंटिन्यूटी मैच करनी है। चलिए मैडम, है ना, सब लोग रेडी? एक मिनट मैडम, इंसान है हम, मकान नहीं कि लीपा पोती चल रहा है कितने देर, थोड़ा रुकिए ना, घुटन हो रहा है हमको। सॉरी, हाँ थोड़ा एकदम हवा आने दो, थोड़ा शांति। एंजॉय एंजॉय, एवरीवन रेडी? हाय कैरी, हाउ आर यू? एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कबड्डी खेल रहे हैं हमारे साथ? I'm just saying hi to you, Carrie. और क्या कैरी? Come on, करीना। हाँ तो ठीक है ना, आप दूर से भी तो कह सकते हैं, और नमस्ते करके भी होता है हाय हेलो, मतलब किसी के प्लॉट पे कब्जा करने का जरूरत नहीं है भैया। भैया? Seriously? कपूर, what is this man? ये मुझे भैया बुला रही है, अपने हीरो को भैया बुला रही है, वो भी एक हॉट रोमांटिक सीन से जस्ट पहले। सारे मूड का ना भजिया कर दिया। अरे समझा करो यार, कैरेक्टर में है, दबंग दरोगा का कैरेक्टर है, कसके पकड़े हुए हैं। अरे लेकिन ये तो ड्रीम सीक्वेंस है ना यार। यही तो कमाल है स्क्रिप्ट का बड़ी, कि ड्रीम सीक्वेंस में भी कैरेक्टर नहीं छोड़ रही है। कमाल कमाल, चलो शूट करते हैं। एवरीवन रेडी? चलो रेडी रेडी। अच्छा करी करी, और उसके बाद उसी एंगल में हीरो की एंट्री होगी, ठीक है? उसके बाद हम दूसरा स्टेप करेंगे, ओके? चलो चलो गाइस रेडी, मूड 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 मूड, ओके, रोल, साउंड, एक्शन। कट 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 कट, ये क्या कर रही हो तुम? करी, मैंने क्या कहा था तुमसे? ये से, हाँ इस तरीके से नहीं, तुम पूरा घुमाओगे तो कैसे चलेगा? सेट सेट, सुनो ना, हम क्या कह रहे हैं? हाँ। अभी हमने देखा है क्या जिंदगी में, नहीं मतलब अभी हमारी उम्र ही क्या है, मतलब ये भी कोई हस्ती खेलती उम्र है हमारी, थोड़ी ना ऊपर जाने की उम्र है, तो तुम पहले बाइक सीख लो फिर हम बैठते हैं ना। नहीं नहीं, Why you worry when I'm there? मुझे इतना बाइक चलाने आती कि मैं तुमको गिराता नहीं, थोड़ा भरोसा, ट्रस्ट मी। नहीं नहीं, ट्रस्ट तो है, मगर क्या है, अभी हमने पोते पोती का मुंह नहीं देखा ना, इस महीने के इंश्योरेंस का किश्त नहीं भरा, तो इसलिए फिर वो भर के फिर बैठे। हाँ, It's an order. Sit. हाँ, अपनी बहन की तरह तुम भी रॉब झाड़ने लगी हो अब। It's an order. देखो हम बैठ रहे हैं, अच्छे से चलाना, गिराना मत। Trust me, trust me. अभी हमारी उम्र नहीं है लल्ला के पापा के पास जाने की। ओके हाँ 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 हाँ, चल चल चल, अरे आराम से आराम से आराम से। समझ में आया गर्ल्स? समझा? चलो चलो कन्वो करेंगे, चलो जल्दी से चलो। एनर्जी गाइस, रोल रोल रोल, साउंड, एक्शन। कट 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 कट, अरे अंदर बाहर नहीं करना है, पूरा गलत हो रहा, पूरा गलत हो रहा। एक 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 मिनट, एक मिनट, मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ, एक मिनट दीजिए बस। करिश्मा सिंह? हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। मैडम मैडम सर, कहाँ फंसा दिया हमको? हमको बोल रहे हैं कि कमर मटकाओ। कैसे मटकाए कमर? जिस इंसान ने सिर्फ कमर तोड़ी है आज तक, वो कैसे मटकाएगा? हमसे नहीं हो रहा मैडम सर, हम ना वापस आ रहे हैं सच। नहीं नहीं नहीं, नहीं करिश्मा सिंह, देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर आप वहां से चली गई तो करीना के हाथ से फिल्म निकल जाएगी, और वैसे भी आपको मुश्किलों से कब से प्रॉब्लम होने लगी? आपको तो चैलेंजेस पसंद है ना? हाँ हमको चैलेंजेस पसंद है मैडम सर, लेकिन चैलेंजेस ही पसंद है। आप हमें 50 कुंडों के सामने छोड़ दीजिए, सबको मार के बाहर निकलेंगे, वैसा चैलेंज पसंद है। ये लचकीली, ये सब नखरे, ये नहीं होते हैं मैडम सर हमसे, आप समझिए प्लीज। होंगी होंगी, बिल्कुल होंगी, सिर्फ डांस ही तो करना है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। हम करके दिखाते हैं, रुको। ठीक है मैडम से, एक मिनट, हम देख रहे हैं आपको, हम करके दिखाते हैं। ये देखिए,
ठीक है, कितना आसान है ये देखिए। कीजिए कीजिए, करके दिखाइए जैसे हम कर रहे हैं। नहीं मैडम सर, हम समझ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं सिखा रही है, वो कुछ बोल रही है ऐसा ऐसा करो ऐसा। हाँ बस यही 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 करना है करी, एकदम करेक्ट कर रही हो तुम। हाँ। वेरी गुड, चलो आ जाओ टेक करते। हाँ, धन्यवाद, आ रहे हैं। हाँ। मैडम सर, हम जाते हैं अभी, आप अच्छे से कीजिए, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्लान से दोनों बहनों के बीच की दरार खत्म हो जाएगी। आयो अम्मा, कोई हमारा बात नहीं सुनता। अरे ऐसे कैसे नहीं सुनता, करिश्मा सिंह हो, दिखाओ अपना भौकाल ऐसा। हाँ, एक्शन बोलो, एक्शन बोलो, एक्शन लाउडली बोलो। एक्शन। अम्मा हटो, तुम्हारी मैया थी, फिर मत बोलना कि दरोगा की देखे तो बात, मगर तुम सालो दे। हटो 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 अम्मा, लग गई लग गई लग गई अम्मा, हटो सामने से हटो अम्मा, लग लग जाएगा, गिर जाओगे, हटो हटो। एक मिनट एक मिनट, तुमको दिखता नहीं मैं कितना बोला हट हट हट, हटता नहीं मेरी बाइक के आगे, खो खो खेलता तुम। सब वाइट वाइट आंख करके मेरे को क्या दिखती, मेरे को काएगा क्या? हाँ? अरे चुप करो ना, चुप कर। देखो मेरे को ऐसा स्टेयर नहीं करना, मैं तुम्हारी कोपड़ी को नारियल की तरह छील देगी। पर मैं वो कैसे छिलेगी, वो पहले से छिली हुई है। करिश्मा सिंह, एक तो आपने हमारा समोसा गिरा दिया, ऊपर से हमारे ऊपर गाड़ी टकरा दी, सीधा सीधा चढ़ा दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, किससे कैसे बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमको हम सब जानते, लेकिन तुम्हारी को समझ में नहीं आ रहा है। जय 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 सब जय। अरे पुष्पा जी, आप समझ रही है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप चुप रहिए बस। इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आधे घंटे के अंदर इनको हमारे कार्यालय में लेकर आइए, हम वहीं इंतजार करते हैं। नहीं नहीं सर, चुप रहिए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। राजमा चावल बनाया आपने, हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक, तुम्हारी तुम्हारी वजह से हमारी भी लाइन हाजिर हो गई। अयो मेरी वजह से, तुम्हारा वजह से। पुष्पा जी, करीना ये सब क्या है, क्या किया ये? मैडम सर कुछ कीजिए कुछ कीजिए, करिश्मा जी को पता भी नहीं कि ये फुलझड़ी उनकी नौकरी खाने वाली है। ये क्या क्या? हाँ मिस मलिक। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। आप बड़े सही समय पे आई हैं मिस मलिक, हम आपको डायरेक्ट खुशखबरी देते हैं, आपकी सहकर्मी करिश्मा सिंह, इनको हम लंबा सस्पेंड करने वाले हैं। आपके सीनियर के साथ बदतमीजी और अपमानजनक शब्द कहने के एवज में। वेरी बैड डीएसपी सर, मतलब हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी डीएसपी सर, हमें लगा था कि कोई और समझे या ना समझे, आप तो इस बात को समझ जाएंगे कि करिश्मा सिंह ने आपके साथ पब्लिकली ऐसा बिहेव क्यों किया, हमें लगा था कि आप समझ जाएंगे। तो ठीक है, हम नादान हैं, आप हमें समझाइए। मतलब सर, पुलिस पब्लिक एक समान एक परिवार, ये दरअसल हमने महिला पुलिस थाने की तरफ से एक नई मुहिम शुरू की है, ये उसी का स्लोगन है। दरअसल हम आम जनता की नज़रों में पुलिस की छवि को और बेहतर और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, और फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, ताकि लोग आसानी से आए और अपनी परेशानियां हमें बता सकें। हाँ हाँ हाँ, यही कि चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर सड़क पर चलता हुआ आदमी या फिर खुद डीएसपी साहब क्यों ना हो, सबके साथ एक समान बर्ताव किया जाएगा। इसीलिए जब आप करिश्मा सिंह की बाइक से टकराए, उनकी बाइक हमसे टकराई जी, जब इनकी बाइक आपसे टकराई तो उस वक्त आसपास बहुत सारे लोग थे ना, आते जाते लोग देख रहे थे, इसीलिए इन्होंने जानबूझकर आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, ताकि ऐसा ना लगे कि अरे पुलिस है इसलिए अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, जैसे आम लोगों के साथ ये बर्ताव करती है वैसे ही बर्ताव इन्होंने आपके साथ भी किया। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब आम शहरी के साथ इस तरह से बात करते हो, इतनी अभद्रता से? नहीं नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं, मतलब माफ कीजिएगा, हम ऐसे बीच में कूद पड़े हैं। देखिए क्या हुआ ना कि आप करिश्मा जी से टकराए। अरे ये हमसे टकराई? हाँ वही कह रहे हैं हम, करिश्मा जी आपसे टकराई, क्योंकि आप डीएसपी हैं, शहर के डीएसपी, बड़े ओहदे वाले हैं, तो इसलिए वो आपके साथ ऐसा उन्होंने बर्ताव किया। अगर वहाँ पे कोई आम जनता होती तो बहुत प्यार से पेश आती,
आप पुलिस वाले हैं, बड़ी पोस्ट के हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा बर्ताव किया ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, ये संदेश पहुंचे कि अगर 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 पुलिस अपने सहकर्मियों के साथ भी अगर ऐसा बर्ताव कर सकती है तो चोर उच्चकों के साथ, अपराधियों के साथ तो कैसा बर्ताव कर सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही सर, कि आप यही बात को हम आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि सर आप ये सोचिए कि जब लोगों को पता चलेगा, जब मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बात फैलेगी कि खुद डीएसपी सर ही हमारी इस मुहिम में सपोर्ट कर रहे हैं, तो सोचिए पुलिस की छवि रातों रात कितनी अच्छी हो जाएगी, बदल जाएगी, कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। सच सर सोचिए सर कि लोग पुलिस के बारे में कितना अच्छा सोचने लगेंगे, आप ये सब सोच के देखिए ना सर। अगर डीएसपी सर नहीं माने तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और करिश्मा सिंह अपनी बहन के साथ क्या करेंगी वो तो हम भी नहीं जानते। आप ये सोचिए सर कि जब लोगों को पता चलेगा, जब मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बात फैलेगी कि खुद डीएसपी सर ही हमारी इस मुहिम में सपोर्ट कर रहे हैं, तो सोचिए पुलिस की छवि रातों रात कितनी अच्छी हो जाएगी, बदल जाएगी, कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। सच हम सब जानते हैं, वैसे तो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं वो बात नहीं समझ में आ रही, मतलब जो समझना चाहिए वो समझ नहीं पा रहा हूं, मतलब जो समझना है वो क्या समझना है। किसी भी हालत में हमें करीना को बचाना ही होगा, वरना इनके चक्कर में करिश्मा सिंह सस्पेंड हो जाएंगे। वो छोड़ दीजिए सर आप। देखिए सर, हम आपकी बात भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि चाहे आम इंसान हो या पुलिस, किसी के साथ भी ऐसा सख्त बर्ताव नहीं करना चाहिए जिसकी सजा हम करिश्मा सिंह को देंगे। करिश्मा सिंह जी, आज से लेकर अगले 24 घंटों तक गोपालगंज का ट्रैफिक आप संभालेंगे, क्लियर? ठीक है ना सर? सर थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी में हमें भी बहुत सारा काम है, आई एम श्योर आपको भी बहुत सारा काम होगा सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। अब सब सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि समझे क्या। चलो करी टेक करते, चलो आ जाओ, चलो गर्ल्स रेडी, मूड 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 मूड, फिर से करेंगे वापस, कम ऑन। साउंड एक्शन। अयो ये करी अम्मा का ड्यूटी तो बड़ा मुश्किल। ढंग से तो करो, जो सिखा है उतना तो कर दो। ये ठुमके मारना तो हमारे बस का बात ही नहीं है। वापस करते, चलो एक्शन। मैडम कैसा रहा शूटिंग आपका? मैडम दिमाग का चूर्ण मत करो, अभी शूटिंग का नाम लेंगे। नहीं हम समझ सकते हैं, आप काफी थक गई होंगी। अरे काफी, चेहरा तो देखो ऐसा मुरझाया है। आप ना मैडम आराम से बैठिए, हम आपके लिए फटाक से बेहतरीन चाय ऑर्डर करते हैं। अदरक वाली? हाँ लेकर आते हैं, लेकर आते हैं मैडम। सर दबा दे आपका। नहीं पूछ रहे संतू जी कैसी हैं आप, ठीक तो है ना? कहाँ थी, कहाँ? उसको क्या हुई, मैं ट्रैफिक सिग्नल पे था, मेरे से पूछ क्या हुई, मेरा हालत खराब होता, पूरा दिन ट्रैफिक सिग्नल पे मैं ड्यूटी करता, मेरा बॉडी का सारा स्क्रू लूज हो गया, बॉडी में से कड़कड़ कड़कड़ आवाज आता, और उधर मेरा मेकअप टीम नहीं होता, कोई नहीं मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरा स्किन मेरे को बहुत रफ लगता, स्पा फेशियल सब कराना, और कितना मजा आता है? तुम्हारा पुलिस का नौकरी कितना अच्छा, वंडरफुल, मैं कहता हाँ मुझे बहुत मजा आया, पूरा दिन मैंने रॉब दिखाया, चाबी घुमाया, पिज्जा खाया, एकदम बच्चों का गेम होता रे। तो तुम्हारा शूटिंग में कौन सा पहाड़ तोड़ना होता है, पूरा दिन बस नखरे करो, चार ठुमके लगाओ। नहीं मतलब ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी,
करना है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई जूस पिला रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है, कोई ये कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे पिकनिक में आए हैं। कितने मजे किए हमने भी वहां जाके, पता है तुमको? अच्छा जी, हाँ तो ये पुलिस का नौकरी भी कोई भी कर ले, कितना मजा आया मुझे पूरा दिन। तो तुम्हारा जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। ओह जय हिंद। मैं ये बता रहा था कि ट्रैफिक सिग्नल में मेरे को कितना मजा आया, वहां पे कितना कुछ होता है। हेलो, क्या कहा हुआ पुष्पा? सब ठीक तो है? बिल्लू के टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए। ठीक ठीक तो है ना अपना बिल्ला? क्या है रिपोर्ट्स में? पुष्पा जी क्या हुआ बताइए। पुष्पा जी बताइए क्या हुआ बिल्लू को, प्लीज बताइए। बिल्लू को ब्रेन ट्यूमर है मैडम। लास्ट स्टेज, बस दो या तीन महीने और। डॉक्टर ने कहा है एक ऑपरेशन है जो उसकी जान बचा सकता है, मगर उसके लिए देश से बाहर जाना पड़ेगा और कम से कम 55 से 60 लाख का खर्चा आएगा। पुष्पा जी एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, बैठिए यहाँ पे बैठिए। हिम्मत रखिए पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा बिल्लू जी को। डॉक्टर ने कहा है ना अभी भी उम्मीद है, ऑपरेशन होगा तो बिल्लू जी ठीक हो जाएंगे। मगर कैसे, कहां से इंतजाम होगा इतनी बड़ी रकम का? हम सब मिलके जमा करेंगे ना पुष्पा जी, हम सब अपनी सेविंग्स निकालेंगे। मेरी सेविंग्स और ज्वेलरी सब मिलाकर मेरे पास कम से कम 3 लाख तो होंगे। सिर्फ 3 लाख से क्या होगा संतू? हाँ लेकिन कम से कम शुरुआत तो होगी ना। देखिए हमारे पास अब सब कुछ मिलाकर करीबन कुछ 7-7.5 लाख तक होंगे, मिल जाएंगे। 5-6 लाख रुपए तो हम भी कर सकते हैं। नहीं मतलब गांव पर हमारे नाम का एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वो जमीन का टुकड़ा हम बेच देंगे तो 5-6 लाख रुपए का मदद तो हम भी कर सकते हैं मैडम सर। और हमारा और पुष्पा जी का भी जो भी हमने जमा करके रखा है उसको मिलाएंगे तो 4-4.5 लाख तक हो जाएगा वो भी, है ना? करीना तो वैसे ही अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ रही है, ये कहां से देगी इतने पैसे? मैं हाँ करीना भी जो है फिल्म के एक बार पैसे मिल जाए तो करीना वो पैसे दे सकती है हमें, है ना? अभी कहां से मिलेंगे पैसे, खर्च हो गए होंगे। फिल्म के पैसे मिलेंगे जैसे ही वैसे ही दे देगी वो, है ना? हाँ वही, मेरे पास होता तो मैं हेल्प करता पर अभी मैं बहुत हेल्पलेस। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं, इट्स ओके। फिर भी और पैसे चाहिए होंगे ना? अरे हाँ हमको याद आया पुष्पा जी, हम ब्याह के टाइम पे नहीं वो ज्वेलरी लेकर आए थे, वो भी तो है हमारे पास, वो बेच देंगे हम, है ना? उससे काफी पैसा मिल जाएगा बिल्लू के इलाज के लिए। वो गहने थे क्या? मतलब हम समझे नहीं। मतलब ये याद है आपको जब मलाइका गांव गई थी, हमने अमीना को रखा था काम के लिए। हाँ। और कुछ दिनों से अमीना भी काम पे नहीं आ रही थी तो हम उसके घर चले गए थे देखने के लिए कि उसकी तबीयत तो ठीक है। तब पता चला कि उसके पति की हालत बहुत खराब थी, मतलब इतनी खराब थी कि अगर इलाज नहीं होता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। और अमीना बेचारी पैसों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही थी। तो आपके जो गहने थे उसमें से आधे गहने बेचकर हमने उसको पैसे दिए। अब उसके पति का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है और वो ठीक हो गया है। जीवन साथी खोने का दर्द क्या होता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब आपने किसी का जान बचाया पुष्पा जी, किसी का पति बच गया, किसी का जीवन साथी बच गया, इससे नेक काम और क्या हो सकता है? आपने क्यों नहीं बताया हमको? डर गए थे,
क्योंकि वैसे उन गहनों पर हमारा अधिकार नहीं था ना, उन गहनों पर आपका अधिकार है और आपको बिना बताए हमने बेच दिए। एक मिनट पुष्पा जी, सबसे पहले तो उस गहनों पर हम दोनों का अधिकार है, दूसरी बात आपने बहुत नेक काम किया इसके लिए आपके लिए ये बनता है। कोई बात नहीं, आधे तो बचे हैं ना, हाँ। वो बेच देते हैं हम बिल्लू के इलाज के लिए, ठीक है? और उना बंद कीजिए। फिर भी कम पड़ेंगे मैडम, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? एक मिनट, जहाँ तक हमारी जानकारी है ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो मेडिकल ग्राउंड्स पर लोगों की फाइनेंशियली मदद करते हैं, तो पुष्पा जी और करीना आप लोग ऐसे एनजीओज के बारे में पता लगाइए, जाइए उनसे जाकर बात करिए, उन्हें बिल्लू की सिचुएशन के बारे में समझाइए, देखिए क्या पता चलता है। हाँ जी मैडम सर। मैडम सर हम जाते हैं ना पुष्पा जी के साथ? नहीं नहीं करिश्मा सिंह, देखिए आपका जो है करीना की शूटिंग पर होना बहुत जरूरी है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो करीना के हाथ से फिल्म निकल जाएगी। मैडम सर यहाँ पे आप करिश्मा सिंह, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे, रिलैक्स प्लीज, आप जाइए और काम कीजिए। ठीक है मैडम सर, पर एक बात कहना है आपसे, आपसे गुजारिश है ये बात कि कुछ भी हो जाए बिल्लू को कुछ मत होने देना, अभी उसको ठीक कर दो जल्दी से, हमें उसको बहुत सारे कंटाप लगाने हैं अभी, बहुत सारे, कहाँ बचेगा वो। मच्छर बताइए क्या कर सकते हैं आपकी सेवा में? फ्रेश लाइम जूस, नो शुगर, मिंट लीफ मिलता तो भी चलता। आप गलत जगह पे आ गई हैं। वेलकम रेस्टोरेंट अगले सिग्नल पर है, दो दुकान छोड़कर। ये एनजीओ है और मैं यहाँ का संचालक सत्यवीर, आपकी सेवा में। हिलिएगा नहीं मच्छर। जी हम सही जगह पे आए हैं, हम आप ही से मिलने आए हैं, हमारी बात हुई थी, हमने आपको हमारे पेशेंट की हिस्ट्री मेल की थी, बिल्लू चंपत ट्यूमर पेशेंट। हाँ याद आया, बिल्लू चंपत। बात हुई थी हमारी आपसे। वैसे ये वही मशहूर महिला पुलिस करिश्मा मैडम है ना, वो कंटाफ वाली? जी बिल्कुल, क्यों लग नहीं रही क्या? नहीं, वो जब से आई हैं उधर देखकर ही बात कर रही हैं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं वो सब बोलता कि मेरा लेफ्ट प्रोफाइल बहुत ब्यूटीफुल। दिक्कत दिक्कत दिक्कत, गर्दन में दिक्कत है इनकी, आज सुबह लचक गई थी ना तो हो गई सीधा वो। ठीक है जी, आप क्या कह रहे थे? एनजीओ के अकाउंट में इतना फंड नहीं है कि आपके पेशेंट का ऑपरेशन करा पाएं। हाँ अगर कल को कहीं से कोई डोनेशन आती है तो आपके बंदे का भी ऑपरेशन करा देंगे आपकी सेवा में। नहीं 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 सर, हमारे पास इतना समय नहीं है, जल्दी करना पड़ेगा उसका ऑपरेशन। मैडम मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। कोई तो उपाय होगा फंड इकट्ठा करने का? एक तरीका है आपकी सेवा में, पब्लिक फंडिंग। पब्लिक फंडिंग मतलब? पब्लिक फंडिंग मतलब एक जन अपील डालिए और आम पब्लिक से सहायता की मांग कीजिए। वो कैसे? एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डालिए और पब्लिक की मदद लीजिए। ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको, इस महिला रूपा ने ऐसा ही वीडियो डालकर पब्लिक से मदद ली है। मैं रूपा, मेरे बच्चे को कैंसर की बीमारी है, मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि मेरी सहायता करें, मेरे बच्चे को बचाने के लिए आप लोग जितनी धनराशि दे सकते हैं दीजिए, प्लीज मेरी सहायता कीजिए प्लीज। अरे ये तो तुम जानते हो इसको? हाँ ये तो अमीना है। रूपा है मैडम? नहीं ये अमीना है, हम जानते हैं इसे। अरे इसके पति के इलाज के लिए हमने हमारी बहू के आधे से ज्यादा गहने दिए इसे। वाह 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 वाह, मतलब पहले पति के नाम से गहने लिए इसे, पैसे मांग रही है और अब बच्चे को गोद में लेकर बैठी है। वो पति की कहानी भी झूठी थी, अब ये बच्चे की कहानी भी झूठी है। इसने हमें हमें पुष्पा सिंह को, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह को ठगा है, पुलिस को ठगा है। हम नहीं छोड़ेंगे इसे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसे। ये क्या था? मच्छर आपकी सेवा में। साउंड
कैमरा एक्शन। हे भगवान, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। सासुमा, अब ये है जिनसे हमें बहुत प्यार हो गया है। लल्ला को कहिएगा कि टूर पे ही रहे और वापस आने का कोई जरूरत नहीं है। हम इनके साथ भाग रहे हैं, है ना? अब बस आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी, गुरुजी कहाँ खोया आप? कट 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 कट। अरे नहीं कैन, नहीं ऐसे नहीं, अंदर से फील करो। अब क्या चाहती हो? हैं? तुमसे परेशान होकर के कोरियोग्राफर चली गई, अब तुम चाहती हो कि मैं भी चली जाऊं? आई मीन मैं चला जाऊं? नहीं कैन, एनर्जी के साथ हो जाएगा। यस, कम ऑन, चलो करते। चलो, रेडी, साउंड, कैमरा, एक्शन। उठिए। अरे क्या हो गया आपको? और ये कौन है बाहर वाली? किसको साथ लेके घूम रही हैं आप? इनको निकालिए, आप बाहर जाइए, हमको कुछ पर्सनल बात करना है, जाइए आप। बाहर वाली नहीं आई। तो कौन है? ये मई होता करी अम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये इसको काहे लाई हो? ये इसको कोई देख लेगा तो बवंडर हो जाएगा यहाँ पे। तुम निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। वो सब छोड़ो, ये लो। ये क्या है? फोन है। तो हमको भी पता है कि फोन है, लेकिन अभी क्या करें हम इसका? लल्ला को आई लव यू कहो। का? देखो आई लव यू कहो, वरना वरना क्या? वरना क्या? वरना हम अभी इसी वक्त हमारी जान दे देंगे। अयो अम्मा, अयो अम्मा, ये खुद को मारता, तुम पे मर्डर का इल्जाम लगता। आई लव यू बोलो, बोलो, बोलो। हेलो जी, वो आई लव यू। हाँ भैया, I love you too, पर अचानक ये तुम्हें हुआ क्या? वो हम बाद में समझाते, हमें अचानक का हुआ। I love you। जी बोल दिया। अब समझाएंगी ये पगले पने काहे करवाए हमसे? क्या हो जाता है आपको? दौरा पड़ता है क्या पुष्पा जी? अयो मई बताता, वो इनसिक्योर होता। वो तुम हीरो के साथ इतना चिपक चिपक के डांस करता ना, इसलिए इनसिक्योर होता, आई लव यू बुलवाता अपने बेटे को, है ना? पर गुरु जी, जिस काम के लिए तुम यहाँ आता वो बोलो। कौन सा बात? अरे हाँ, वो तो हम भूल ही गए। देखो एक मिनट, एक मिनट। हाँ ये देखो, मैं रूपा, मेरे बच्चे को कैंसर की बीमारी है। ये वीडियो में जो अपने बीमार बच्चे के लिए मदद मांग रही है, पब्लिक फंडिंग कर रही है, वीडियो में अपना नाम रूपा बता रही है, असल में ये आमीना है। ये वही आमीना है जिसके बीमार पति के इलाज के लिए हमने हमने आपके गहने बेचकर उसको पैसे दिए थे। उस दिन बीमार पति के लिए पैसे मांग रही थी, आज बच्चे के नाम पर पैसे मांग रही है। मतलब समझ रही हैं आप? लोगों को ठगती है, चीटिंग करती है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है ये। हाँ, और उसने हमें भी ठगा। हमें इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि उसने हमें ठगा, हमें बुरा इस बात का लग रहा है कि अपने पति की झूठी बीमारी का नाटक किया उसने। हम नहीं छोड़ेंगे उसे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अता पता है उसका कुछ? उसके पते पर हमने संतू को भेजा था, मगर आप कह रहे हैं लोग कि अमीना तो कब का घर छोड़ के भाग गई। हाँ तो जाहिर सा बात है ना, जिसको ठगना होता है वो थोड़ी ना अपना अता पता बताएगा। अरे अम्मा तुम बहुत स्मार्ट। हमसे क्या चाह रही हैं आप? क्या कब मदद कर सकते हैं हम आपका? क्या चाहती हैं? हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारी बहू के गहने वापस चाहिए। हाँ, उसने हमसे झूठ बोला, हमें ठगा है, हम उसको सलाखों के पीछे देखना चाहते बस। हाँ वो सलाखों के पीछे होना मांगो, पीछे होना मांगा। वो देखो कबूतर। ये क्या किया? मार दिया अपनी सगी बहन। मारा, मारेंगे क्या हम उसको? बेहोश किया, उसका बेहोश रहना भी जरूरी है। अभी उस ठग को पकड़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी पुष्पा जी। और वहाँ थाना में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम वहाँ हैं, मतलब करिश्मा सिंह वहाँ हैं। सबको लगना चाहिए कि करीना ही है, ठीक है?
देखिए 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 मैडम सर देखिए। हाँ पुष्पा जी देख ही रहे हैं। मेरे बच्चे को कैंसर की बीमारी है, मेरे बच्चे को बचाने के लिए आप लोग जितनी धनराशि दे सकते हैं दीजिए। पुष्पा जी आपको पूरा यकीन है कि एड वाली वही औरत है अमीना जिसने जिसको आपने उसके पति के ऑपरेशन के लिए अपनी ज्वेलरी दी थी? मैडम सर शत प्रतिशत, इसको तो हम लाखों की भीड़ में भी पहचान सकते हैं, फिर भी हम पुलिस हैं तो कोई शुबा नहीं रखते, पूरी तरह ठोक बजाकर शिनाख्त करते हैं। देखिए ये देखिए थोड़ा सा, हाँ ये देखो ये जो टैटू है ना, ये टैटू अमीना के हाथ पर भी था। मैडम सर ये शत प्रतिशत वही है। जाहिर सी बात हुआ ना मैडम सर कि ये जो औरत है ये कोई बेचारी नहीं है, ये बहुत बड़ी फ्रॉड है, अलग अलग सेटअप करती है, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है, चूरन बना रही है लोगों का। आप समझ रहे हैं मैडम सर ये झूठी। देखा करे अम्मा कॉपी करता अच्छा किया ना। हाँ। वो मेरे को ना ऐसा डाउट होता इसलिए मैं बोलता। बच गई करीना जी। हाँ जैसा कि आपने कहा था वो लड़की के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए, तो मैंने निकाली। वो लड़की पिछले 2 साल से अलग अलग नाम से अलग अलग गेटअप लेके अलग अलग इमोशनल स्टोरी सुनाकर लाखों रुपए ठग चुकी है क्राउड फंडिंग के नाम पर। एक सेकंड, ये तुमने कहा पता लगाने को? हाँ वो मई मेरे को ऐसा थॉट आया तो मैंने पूछा संतू से, वो नाम डिटेल एड्रेस सब है ना? सारी डिटेल्स हमारे पास। हाँ। क्या बात है करीना, तुम तो बहुत जल्दी पुलिस के काम करने का तौर तरीका, हमारे ढंग, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ सीख गई हो। अयो अम्मा, क्योंकि ये ओरिजिनल पुलिस होता, ये करी अम्मा। ओरिजिनल पुलिस होता, मैं करीना, इधर ओरिजिनल करीना। नहीं ये झूठ बोलता, हम मैं यहाँ पे मैं करीना, तुम शूटिंग पे जाओ जाता। नहीं ये झूठ बोलता, ये करी अम्मा, ये ओरिजिनल कॉप करी अम्मा, मैं करीना, करीना। कितना झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता, मैं करीना होता ये करी अम्मा। यो यो अम्मा, तुम टॉप का कॉप होता लेकिन एक्टिंग एकदम बकवास करता, कितना गंदा कॉपी मारता देखो। उधर शूटिंग पे मेरे को यहाँ पता नहीं क्या किया, इतनी जोर से मारा मैं बेहोश हो गया, उसके बाद यहाँ भाग के आया। ये करी अम्मा, मैं करीना, सीनियर सुंदरी, ये देखो माय लेफ्ट प्रोफाइल, देखो देखो इधर रियल बवाल, ये करी अम्मा। हाँ भागे हम, शुक्र मनाओ कि तुमको सिर्फ बेहोश किया, तुमको जान से ही नहीं मारा। तुम्हारे ये फालतू शूटिंग से अच्छा हमारे लिए ये इस ठग को ढूंढना है जो बाहर घूम रही है आजाद दूसरी ठग करने के लिए। बिल्लू की मौत एकदम उसके नजदीक में है और हम भटक गए हैं तुम्हारे शूटिंग के वजह से। हमारे लिए हमारा काम ज्यादा जरूरी है, तुम्हारा ये शूटिंग नहीं, समझे तुम? तुम्हारे ये जो झूठा फेम और झूठी शोहरत ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखती है, हमारा काम हमारे लिए मायने रखते हैं और हम वो करेंगे सबसे पहले, समझे तुम? भागे हम इसका शूटिंग छोड़ के। और तुमको क्या पता करीना कि जान का कीमत क्या होता है? देखिए करिश्मा सिंह, हम आपकी फीलिंग समझते हैं, इनफैक्ट हमें उम्मीद थी कि आप ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन आपको हम पर थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए था। बहरहाल देखिए हमें उस औरत का एड्रेस अब मिल चुका है, आगे अब संभाल लेंगे हम, आप जाएंगे वापस और करीना का काम संभालेंगे, और जब तक हम आपसे नहीं कहते तब तक आप शूटिंग का सेट छोड़कर जाएंगी नहीं। पर मैडम सर हमारे करिश्मा सिंह प्लीज राइट नाउ। जी मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। आपसे हम बाद में बात करेंगे।
फिलहाल बिल्लू जो है हॉस्पिटल से वापस आने वाला है। बिल्लू को अब तक पता नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। कोशिश कीजिए कि जब तक हो सके बिल्लू को ये बात ना पता चले, ये उसी की सेहत के लिए बेहतर होगा। प्लीज उसके रूम का बंदोबस्त करवाइए जिसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जी मैडम सर। बिल्लू को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। जितना हो सके वो खुश रहे, आराम से रहे। जी मैडम सर। बदनाम भाई, जहर पिलाओ। अच्छा यार, बिल्ली का कुछ पता चला? अरे मर तो नहीं गया। चेक करो, चेक करो। हाँ यार, हॉस्पिटल मर गया उसका कोई है भी नहीं हमारे अलावा। लाश तो लानी पड़ेगी ना। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे ओ बिल्ले, तू ठीक हो जाए, ये हो नहीं सकता। और हम तुझे ठीक होते देखे ये हम होने नहीं देंगे, समझा? अस्पताल से डिस्चार्ज कब हुआ तू? कैसा मेरा भाई तू, बोल। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे शुभ चिंतकों, मैं प्रभु के चरणों में, प्रभु में लीन हो चुका हूँ। अब मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं रहा, अब मैं बिल्लू बाबा हो गया हूँ। अरे नहीं नहीं बिल्ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मासूम आदमी, कहाँ पड़े हुए सब चक्कर? मूर्ख बालक, ये सारी बातें तुझ जैसे प्राणियों के स्तर से बहुत ही ऊपर है। देखना, कुछ ही दिनों में ये सारी दुनिया इस बिल्लू बाबा के चरणों में होगी, नतमस्तक करेगी। इस सारी दुनिया को बिल्लू बाबा की शक्ति का आभास हो जाएगा। प्रभु की लीला है, प्रभु का तांडव। बिल्लू जी, अब मैडम सर अंदर आपका इंतजार कर रही है और एक सरप्राइज भी आपके लिए। ओम नमः शिवाय। अब ना हमारा सर रहा, ना हमारा प्राइज रहा, हम तो बैरागी हो गए हैं। ना सम्मान का मोह है, ना अपमान का भय। ओम नमः शिवाय। चलिए, ओम नमः शिवाय। चलो चलो देखते हैं क्या है। हाँ, आ जाओ। आओ बिल्लू। तो आज से ये है तुम्हारा नया बिल्लू निवास। यहाँ पर तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं, यहाँ तक कि अम्मी रोज गर्मा गर्म खाना बनाकर तुम्हारे लिए यहाँ भिजवाएगी। और तुम तो जानते ही हो कि अम्मी के हाथ का खाना कितना अच्छा है। हे प्रभु, ओम नमः शिवाय। कभी चखने का मौका नहीं मिला, वरना बता देती आपके अम्मी का हाथ का टेस्ट कैसा है। मिलेगा मिलेगा तुम्हारे लिए। देखो वहाँ पर टीवी भी लगाया हुआ है, एसी भी है, हर तरीके का सारा इंतजाम है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला अगाध है। प्रभु ओम नमः शिवाय। प्रभु आप महान हो, महान हो। बिल्लू बाबू, अरे इतनी खातिरदारी कैसे? संतोष, ये क्या बातें कर रही, चल क्या रहा है? मैडम सर, आपको बताया था ना, बिल्लू जी के सपने में साक्षात महादेव आए थे। उन्हें शक्ति देकर गए हैं कि वो किसी के भी सर पर हाथ रखेंगे तो उनके सारे दुख दर्द चले जाएंगे। अच्छा, आपको यकीन नहीं हो रहा? सच ही बोलेंगे ना, भगवान के नाम पे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। इतनी अच्छी ट्रीटमेंट कैसे? हाँ वही तो, मैडम सर खातिरदारी कर रही है। ऐसे कैसे, क्यों हो गया ऐसा? प्रभु की लीला है। बिल्ली एक काम करोगे, चलो देखते लोग तुमको कितना मानते हैं। अब मैडम सर को बोलो ना, हमारा कंधा दर्द कर रहा है, दबा दे। रे 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 रे, क्या सिखा रहा है सब तुम लोग? मैडम सर, हमारा कंधा दबा दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल, रहने दीजिए, प्रभु की इच्छा यहां तक ही थी। पैर पकड़ने हैं, चरण स्पर्श करने हैं तो महादेव की कीजिए। ओम नमः शिवाय। क्या बात है, बाइक बहुत अच्छे से चलना सीख गई? हां तो 2 दिन का कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो जी, मेरा हार्ड वर्क, मेरा डेडिकेशन। अरे अम्मा को क्या लगता है कि सिर्फ वो ही बाइक चलाता क्या? देखो मेरा बाइक एयर से कैसा टॉकिंग करता। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुक, यहाँ राइट 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 राइट, बस बस रुक जा। कैसा? अब कैसा मतलब? कैसा रुकता, मेरे को चलाना आता, रुकना नहीं आता। अरे वो दबाओ ना। क्या क्लच? नहीं नहीं, वो नहीं दबाता। दूसरा दबाओ फिर। वो करी अम्मा, मना करा, मैं नहीं दबाता। अब रुकेंगे कैसे? जब पेट्रोल खत्म होता तब रुकता, अभी बैठो। अरे अरे रुको रुको। We'll be right back.
ये निकालता, मैं इसको देख के आता, ठीक है? हमको छोड़ के कहाँ जा? अरे निकालो इसे! वो किधर गई? पुलिस, मेरे को? हाँ, तेरे को पता है मैं कौन हूँ? बॉक्सिंग चैंपियन हूँ मैं। ऐसा हड्डी पसली तोड़ के हाथ में दे देगी ना कि पता भी नहीं चलेगा तेरे को। अयो अम्मा, तुमको बॉक्सिंग आता? हाँ, दिखाओ तेरे का। अम्मा बचाओ! बचाती है मैं तेरे। किधर भाग? किधर? किधर भाग? इधर आ, इधर। अभी तो मारा भी नहीं, चिल्ला काहे कर रही है? तुम कुछ इधर मारना उधर मारना, लेकिन फेस को टच नहीं करना और मेरे लेफ्ट फाइल को तो बिल्कुल नहीं मारना। ये ले। नालायक, उसको मारा तुम। तुम भी आ गए। नालायक, तुमको मारा, उसको जाके पकड़ो। तुमको भी तो मारा, उसको जाके पकड़ो। नहीं, अभी बाद में पकड़ता। चलो चलो, आई इतना मारता। टीना जी, क्या हुआ आपको? बैठिए। क्या हुआ, क्या हुआ? बैठिए मेरे को बैठा। अरे लगा तो हमें भी है। आपको क्यों लगा, ये तो हमको बहुत अच्छा तरीका से पता। लाख बार इनको बोले, करीना जी को लाख बार बोले कि इनसे एक्टिंग मत सीखिए। सीखी इनसे एक्टिंग, कहीं ओवर एक्टिंग कर देंगे, पीट पिटा गए होंगे दोनों लोग। बताया था ना करीना जी आपको। भाग। अच्छा एक सेकंड पुष्पा जी, आप पानी पीजिए ना। हाँ हाँ पीजिए। अरे दोगी तो पिएंगे ना। मैडम सर, मैडम सर देखिए ना क्या हो गया करीना जी को और पुष्पा जी को, क्या हो गया देखिए। अरे क्या हो गया पुष्पा जी? करीना आप लोग ठीक है? डॉक्टर बुलाए हम, कहाँ चोट लगी है? नासपिटी गरम जली चुड़ैल कहीं की। एक मिनट पुष्पा जी, करीना वो है, हम नहीं है, ये सब वो है। और आप भूल रही हैं कि हम आपके सीनियर हैं, 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, समझिए आप। अरे अरे, हम आपको थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं, हम तो उस रूपा को कोस रहे हैं जिसको पकड़ने के लिए मैडम सर ने हमें भेजा था। नालायक बहुत लड़ाकू निकली मैडम सर, वो इतना कूटा इसे, इतना मारा इसे, इतना धोया इसे। खाली मेरे को? नहीं नहीं, मतलब हमको भी थोड़ा मारा, मगर क्या है, हम तो पुलिस में है ना, हमने अपने आप को थोड़ा सा बचाया। मगर ये तो शूटिंग वाली, ये तो ना सिर्फ मुंह से झिशुम झिशुम आवाज निकाल रही थी, एक थप्पड़ नहीं मारा इसने। मेरे को शूटिंग वाला आदत ना, ओनली साउंड, नो टचिंग। लेकिन वो शूटिंग वाला नहीं निकला, मेरे को बहुत मारा, मेरे को इधर मारा इधर मारा। और भेजिए मैडम सर इस रूई के फाय को, नाचने कूदने के अलावा इसको कुछ नहीं आता, दिन भर मटकती रहती है। नहीं मतलब उस धोखेबाज औरत से सरे हम पिट कर ये आ गई है, हमारी इज्जत का जुलूस निकाल दिया है इसने। हमने पहले ही कहा था मैडम सर, ये किसी काम की नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, और आई, अरे बाप रे, आराम से। और तुम बहुत होश यार, तुम सारे काम एकदम परफेक्ट करता, तुम बहुत स्ट्रांग होता ना, आता मेरे को शूटिंग से कॉल, बताता मेरे को कि तुम क्या क्या गुल खिलाता मेरी शूटिंग में। हाँ हमाओ गुलबुल मत बोलना, नहीं तो दुनिया से गुल कर देंगे तुमको, बता रहे हैं। देखा देखा, हाँ खुद का पोल खुलता तो वाइड वाइड आंख करके मेरे को देखता। देखो क्या किया, क्या किया क्या हमने? हाँ क्या किया? हाँ क्या किया बताओ गुरुजी। हीरो के कान में इतना जोर का ऑटोग्राफ दिया कि वो ऑफ साउंड हो गया, उसके राइट ईयर में उसको कुछ सुनाई नहीं आता, पिक्चर से मैं आउट हो गया, मेरा सपना वॉश हो गया, मैं फिर से वही आइटम गर्ल, मैं वही आइटम गर्ल रह गया, हीरोइन, नो सपना, नो। इसकी वजह से, इसकी वजह से शुक्र मनाओ कि उसका जबड़ा नहीं उखाड़ा हमने, ठीक है? मैडम सर देख रही हैं, हमने कहा था ना, ये अदला बदली इतनी आसान नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से इतने विपरीत है, नहीं ले पाएंगे एक दूसरे की जगह। हमें बिल्लू को बचाना है मैडम सर, हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है।
उस धोखेबाज औरत को पकड़ना है मैडम सर, जिसकी वजह से हमारे बिल्लू का ऑपरेशन खटाई में पड़ा है। उस एक एक धोखेबाज औरत की वजह से ना जरूरतमंदों की सहायता करने से लोग संकोच करते हैं। करिश्मा बैठो। नहीं अभी मूड नहीं है। बैठो, दो मिनट बात करनी है। देखो हम समझ सकते हैं तुम कौन है। हम बैठो बैठो देखो, हम देखते हम देखते। अरे मैडम सर आप जी। जय हिंद। आइए ना, आइए ना। जय हिंद मैडम सर, आप यहाँ इस वक्त सब ठीक है? हाँ हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक। हमने बस सोचा कि नहीं नहीं ठीक है, एक खुशखबरी मिलकर आप दोनों को दे दें कि अब आपको करीना बनकर सेट पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उससे फ्री हो चुकी हैं, अब आप थाने वापस आ सकती हैं, अपनी ड्यूटी संभाल सकती हैं और वो कर सकती हैं जो आप हमेशा करती हैं। शुक्रिया मैडम सर। नहीं नहीं आप हमारा नहीं किसी और का शुक्रिया अदा कीजिए। आ जाओ। ये डिसीजन करीना का ही है। क्या ये, कहाँ जा रही हो तुम? मैं वापस चलता, बैक टू चेन्नई। क्यों? कि करी अम्मा मेरे हीरो को मारा, मेरे हीरो के कान के वन साइड का साउंड आउट होता। मैं पिक्चर से आउट, वो प्रोड्यूसर मुझे प्रोजेक्ट से आउट करता, बोला तुम जाओ वापस, सब फिनिश, मेरा करियर फिनिश, सब फेल हो गया। लेकिन मेरे को इस बात का दुख नहीं होता, मैं खुश होता कि मैं यहां से जाता ना तो करी अम्मा का जान छूटता मुझसे। तुम तो खुश होता करी अम्मा, मैं यहां से जाता अब तुम मुझे नहीं झेलता, खुश ना तुम? सुनो ना, जानबूझकर नहीं किया हमने, समझे? वो तुम्हारा हीरो जानबूझकर वैसा छूने का प्रयास कर रहा था हमें बार बार। नहीं हमसे घुटन होता है, हमको नहीं सहन होता, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ये सब हरकतें। उसके साथ काम कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको अधिकार मिल गया कि वो हमें कहीं भी छू सकता है, बदतमीज इंसान। ये बात तो सही है, ये तो हम भी देख रहे थे, इसलिए हमने उसको एक जोर से कंटाप लगाया। अब समझ में आया होगा उसको, इसलिए ना हमें तुम्हारा ये फिल्मी लाइन पसंद नहीं है। करी अम्मा अच्छा बुरा इंसान हर जगह होता, तुमको क्या लगता बड़ा बड़ा ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बड़ा बड़ा कंपनी में ऐसा लोग नहीं होता? हर जगह होता करी अम्मा, मेरे हीरो जैसे रास्कल हर जगह मिलता, सच में। अब तुमको समझ में आया कि मेरा जॉब, मेरा प्रोफेशन कितना मुश्किल होता, मैं कितना मेहनत से, कितना पेशेंस से काम करता वहां पे, तुम समझा? ये बिल्कुल ठीक कह रही है करिश्मा सिंह, इस दुनिया में अपनी जगह बनाना खास तौर पर एक औरत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। न जाने क्या क्या झेलना पड़ता है, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कितने लोग, उनके कितने सारे ईगो, न जाने कितनी चैलेंजिंग सिचुएशंस, उस सब के बाद एक औरत फाइनली अपना एक मुकाम, अपनी एक जगह, अपना एक वजूद बना पाती है दुनिया में। करिश्मा सिंह देखिए, आप माने या ना माने, गलती आपसे हुई है। अगर आप इस पूरे मामले को थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल कर लेती तो शायद ये सब नहीं होता। हमारी नजर में आपको एक टास्क दिया गया था जो आप पूरा नहीं कर पाई, जिसमें आप फेल हो गई हैं, और यहां तक कि आप अपना वादा भी नहीं निभा पाई। अच्छा ठीक है, मैं जाता, फ्लाइट का टाइम होता। बाय गुरुजी, बाय करी अम्मा, बाय सीनियर सुंदरी। सुनो, हमने तुम्हें कहा था कि तुम करिश्मा सिंह कभी नहीं बन सकती, वो बात सच है, क्योंकि करिश्मा सिंह तुम्हारी तरह ऐसा हार कर वापस नहीं जाती। करिश्मा सिंह लड़ती, आखिरी दम तक लड़ती, जब तक जीत नहीं जाती।
हम करेंगे बात तुम्हारे प्रोड्यूसर से, मनाएंगे उनको और हो सके तो उस हीरो से माफी भी मांगेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारा पिक्चर तुमको वापस दिलवा के रहेंगे, और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने तुम वादा का कितना पक्की मालूम मुझे मालूम। ठीक है तो फिलहाल तो तुम्हें अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, मैं नहीं चाहता। आ तो बहू, आ तो सास माँ। हाँ, आई? नहीं नहीं, अब ऐसा। चलिए, ये बहुत अच्छा हो गया। और एक अच्छी बात ये है कि उस फ्रॉड औरत के बारे में पता चल गया है, एक टीम हमने बनाकर उसके पीछे भेजी है, बहुत जल्द कोई लीड मिलनी चाहिए। पर हमें अब भी बिल्लू की बहुत फिक्र हो रही है, वक्त बीतता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैडम सर, जैसा कि आपने कहा था नफीसा उर्फ अमीना उर्फ रूपा के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हाथ आई है। ये नफीसा जो है अब तक 10 अलग अलग साइट से क्राउड फंडिंग कर चुकी है। क्या? जिसमें से 9 तो बिल्कुल ही फेक है, कोई ऑफिशियल अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना ओनर का कोई अता पता है, ना अकाउंट होल्डर का कुछ पता है। लेकिन एक साइट है जिसके बारे में पता चला है और उसका नाम है, पुष्पा जी एक सेकेंड, उम्मीद है .com। इसके बारे में हमारे पास डिटेल्स है और एड्रेस भी है, और एड्रेस वही है जहाँ से वो फहीदा को नफीसा को सबसे पहले उठाया गया था। हमारे ख्याल से जय हो बिल्लू बाबा की जय हो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये कौन है आप? ये क्या कर रहे हैं? अरे बिल्लू बाबा की जय हो, बिल्लू बाबा के दर्शन करने आए हैं मैडम। एक सेकेंड, हम आपको मिलवा देंगे बिल्लू जी से, लेकिन आप ऐसे पोछा लगाते लगाते क्यों आ रहे हैं? हाँ? पोछा नहीं लगा रहे हैं तो भक्ति दिखा रहे हैं। घर से यहाँ तक ऐसे ही आए हैं ताकि बिल्लू बाबा के एक बार दर्शन हो जाए तो हमारा भाग्य चमकने लगे। जय हो बिल्लू बाबा। तो आपको पता चल गया बिल्लू बाबा के बारे में? ए, हमें क्या माता जी। हाँ, दीदी दीदी बुलाइए इनको। दीदी आप आगे बोलिए। सारे शहर को पता चल गया है बिल्लू बाबा के बारे में। मैडम सर, सॉरी, बिल्लू जी कुछ ज्यादा फेमस नहीं होते जा रहे। कहाँ है बिल्लू बाबा, मुझे दर्शन करना है, बताइए ना। हाँ मिलवाते संतोष शर्मा ने। जी आइए, जाइए, आइए आइए आइए। बिल्लू बाबा की जय हो। बहरहाल एक काम कीजिए, आप और करीना साथ में जाइए, इस उम्मीद है .com के ओनर से मिलिए, देखिए क्या पता चलता है, पता कीजिए, जानकारी निकालिए उस नफीजा उर्फ रूपा उर्फ अमीना। हाँ उसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब ना लालच का चक्कर है। जब पहली बार उस औरत को पता चला कि अपना दुख सुनाकर लोगों से पैसे निकलवाए जा सकते हैं, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने इसे अपना ठगी का धंधा ही बना दिया और लोगों को इसके लपेटे में लेने लग गई, कंपनी खोल दी लोगों को ठगने के लिए। सच में इस तरह के लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ठगों की वजह से जब असलियत में लोगों को जरूरत होती है ना, तो कोई मदद करने आगे नहीं आता।